रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके लिए आगरा के कैंट स्थित अटल चौक पर सेवा समिति की तरफ से हवन पूजन किया गया। वहीं इस हवन पूजन में यूक्रेन में फंसे भारतीय युवक युवतियों की सलामती के लिए प्रार्थना भी लगातार की जा रही है। आगरा की तस्वीरें जहां पर यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। युद्ध जल्द से जल्द टल जाए, इसको लेकर यहां पर हवन पूजन किया जा रहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष अटल चौक सेवा समिति द्वारा इस अटल चौक पर विश्व शांति के लिए हवन किया गया है। जैसा कि आज पूरे दुनिया का जो माहौल है वो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इसमें रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है वो पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो गया है। और इस हवन और शांति यज्ञ के माध्यम से हम पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि शांति से ही पूरी दुनिया कायम है और शांति से ही दुनिया चलेगी। भारत ने आदिकाल से हवन यज्ञ आदि के माध्यम से विश्व शांति का प्रयास किया है और उसी विश्व शांति को कायम रखने के लिए आज अटल चौक सेवा समिति इस हवन के माध्यम से विश्व शांति की कामना करती है। सभी देशों में आपसी सद्भाव बढ़े और ये युद्ध की स्थिति खत्म हो, पूरे विश्व में जो तनाव व्याप्त हुआ है वो खत्म हो, यही हमारी कामना है। और इस यज्ञ में आज हमारे परम आदरणीय गुरु श्री पी के सेठी जी द्वारा जो हवन किया जा रहा है उससे हमें पूरा ये विश्वास है कि इस हवन के पश्चात विश्व शांति कायम होगी। धन्यवाद। हमने यही प्रार्थना की है कि सर्वोपरि विश्व शांति सबसे बड़ी है। और जो आपको देख रहा है इस समय जो ये चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में द्वंद्व, वो खत्म होना चाहिए। ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है और अभी हम लोग इतनी बड़ी महामारी से निकले भी नहीं हैं, अभी हम उससे उभरे भी नहीं हैं और ये दूसरी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। तो हम सबका एक मानव होने के नाते यही है कि विश्व शांति सर्वोपरि है और हम सबको विश्व शांति के लिए हमने आज हवन किया है। हम यही चाहते हैं इन दोनों का जो भी रशिया और यूक्रेन का है विवाद, वो वार्तालाप से जल्दी निपटे।